Assalamualaikum और गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम जगलोट। ये है जी जगलोट और यहाँ पर मैं रात रुका हुआ था। स्कर्दू से मैं आया तो यहीं पर मैंने नाइट स्टे किया। ये है हमालिया फिलिंग स्टेशन। यहाँ पर तकरीबन 3 साल पहले जब मैं आया था गिलगित के टूर के लिए, तो मैंने उस टाइम भी यहाँ पर ही कैंप किया था अपना। और सामने पार्क थी, अभी बिल्कुल सामने होटल बन रहा है। और यहाँ पर मैंने नाइट स्टे किया हुआ था, कैंप शैम्प लगाया हुआ था बाइक के ऊपर। अभी मैंने सामान बांध लिया, तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जी यहाँ से। और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जी, अस्सलाम वालेकुम एहसानुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? ठीक है एहसानुल्लाह भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें कुछ वेलकम किया कि भाई आप लगाएं कैंप शैम्प, कोई मसला नहीं है, आप रुके हैं हमारे पास, तो आपकी खिदमत का भी बहुत शुक्रिया भाई। नहीं जी, हम तो आपके मेहमान हैं, लेकिन हमें कोशिश ये होती है कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना हो। लेकिन आप तो यार, आपने माशाल्लाह हमें वेलकम किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलें, ये यादगिरी रहेगी हमारे साथ कि हम यहाँ पर रुके थे तो एहसानुल्लाह भाई थे हमारे साथ। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से, आगे हम जा रहे हैं आज बगरोट की तरफ। तो आज बगरोट वैली आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या सीन है, कैसे नज़ारे हैं। तो गिलगित की सीरीज़ ये स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, तो इसको अभी से लाइक कर दे तो आपको गिलगित के वो वाले पॉइंट दिखाएंगे जहाँ पर टूरिस्ट जाते ही नहीं है, टूरिस्ट को पता ही नहीं है। तो हिडन पॉइंट्स दिखाएंगे हम, ज़्यादातर रोड के साथ साथ नहीं रहेंगे। लोग क्या करते हैं, आते हैं रोड को टच करते हैं, चाइना बॉर्डर तक जाते हैं, वापस चले जाते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी जगह देखने वाली हैं। जितने भी टूरिस्ट की गाड़ियाँ आती हैं वो सारे के सारे यहीं से ही रीफिल करवाते हैं अपनी गाड़ी में, जो भी स्कर्दू की तरफ जा रहे हों या जो भी गिलगित की तरफ जा रहे हों। तो हम भी अपनी बाइक में टंकी फुल करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे साथ है जी जाफ़र भाई, और ये भी इधर ही थे रात को मेरे साथ, काफ़ी गपशप होती रही। जाफ़र भाई, बाइक की टंकी फुल कर दें यार। अभी मैं निकल रहा हूँ जगलोट से। जगलोट में आपको बाज़ार, इंटरनेट और होटल्स, इसके अलावा रेस्टोरेंट और खाने पीने की दीगर चीज़ें जो आपको ज़रूरत हो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और नेटवर्क यहाँ पर टेलनोर का भी 4G चलता है, एसकॉम का भी 4G चलता है, जैस के भी सिग्नल आते हैं, दीगर नेटवर्क के भी। और यहाँ पर अभी हम निकलते हैं तो यहाँ से आगे एक रोड जाएगा स्कर्दू की तरफ, तो वो भी आगे जाके आपको दिखाते हैं जहाँ से मैं रात को आया हूँ। जगलोट को जगलोट जंक्शन भी कहते हैं उसकी रीज़न कि यहाँ पर दुनिया के 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंज मिलते हैं, जिसमें से एक हिमालय है, दूसरा कराकरम है और तीसरा है कोहे हिंदूकश। ये सामने आप रश देखें, जैसे ही आप जगलोट से 2 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो आपको ये एक सबसे पहले व्यू पॉइंट मिलेगा। इस व्यू पॉइंट के ऊपर तकरीबन इस रोड के ऊपर आने वाला हर टूरिस्ट ब्रेक लगाता है, उसकी रीज़न कि यहाँ से जो व्यू आता है वो आपको दिखाते हैं ऊपर चल के वो क्या है। वो है 3 पहाड़ों का, 3 माउंटेन रेंज का यहाँ पर जंक्शन। लेट्स सी, ये देखें जी, टनल को क्रॉस करते साथ ही सीनरी ओपन हो जाती है गिलगित की। ये यहाँ पर मेरे राइट साइड पे जो आपको वैली नज़र आ रही है, ये है छमुगढ़ वैली। और इस जगह की खुबानी बहुत मशहूर है, बहुत ही मज़े की होती है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। इसका ऑलरेडी मैं व्लॉग बना चुका हुआ हूँ, इसलिए मैं इस तरफ तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप इस तरफ जा सकते हैं। मैं वैसे भी लोगों को प्रेफर करता हूँ कि आप मेन रोड सेट के जो सामने वैलीज़ आपको नज़र आती हैं इस तरफ आप विज़िट किया करें, ताकि आपको इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा हो सके। ये है जी बिल्कुल सामने हमारे गिलगित सिटी, और अगर सीधा चले जाएंगे तो शहर में चले जाएंगे गिलगित सिटी में, और अगर यहाँ से हम लेंगे राइट तो फिर हम जाएंगे दनेओर की तरफ। तो अभी हम चलते हैं जी दनेओर की तरफ, यहाँ से हमने लेना है राइट। यहाँ पर दनेओर से ही रास्ता जाता है आगे हंजा नगर की तरफ, और दनेओर से ही रास्ता जाता है बगरोट की तरफ। दनेओर सिटी में जाके अगर आप लेफ़्ट होते हैं तो हंजा नगर की तरफ हो जाते हैं, और अगर आप वहां पर जाके राइट होते हैं तो फिर आप राइट होते हैं बगरोट की तरफ।
अभी हम आ गए हैं जी दनियोर सिटी में, और ये है दनियोर का मेन चौक, बैंक चौक भी कहते हैं इसको। यहाँ से कुछ खा लें थोड़े से ममतो, तो फिर हम निकलते हैं आगे। ममतो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर जगह से ममतो ट्राई करता हूँ। बाकी कहीं और कुछ मिले तो वो भी खाएंगे हम, जो ट्रेडिशनल हो। फ्रेंड्स, दनियोर से होते हुए आगे आके आपको ये एक जगह मिलेगी जिसका नाम है ओश्किनदास। यहाँ पर भी एक छोटा सा बाज़ार है, और ओश्किनदास को आपने क्रॉस करना है तो फिर आगे जाके आपने होना है लेफ़्ट साइड। आप लेफ़्ट साइड होंगे तो वो रोड सीधा जाएगा आगे बग रोड, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ओश्किनदास को क्रॉस किया है तो यहाँ से आके वीर नुमा दो रास्ते हो जाते हैं, एक होता राइट साइड, एक होता लेफ़्ट साइड। हमने जाना है लेफ़्ट साइड, और ये ऊपर वाला रास्ता सीधा जा रहा है बग रोड की तरफ, और नीचे वाला रास्ता जा रहा है छमूगढ़ की तरफ, जो मैं ऑलरेडी आपको अपने व्लॉग में बता चुका हूँ। बग रोड वैली को मैं पहले भी विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, कच्चा रास्ता था। अभी तो ये देखे कारपेट रोड बन गया हुआ है। अब देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है माशाल्लाह। वो सामने स्नो कवर पीक, मेरे ख्याल से देहरान पीक है, और अभी आप यहाँ से लैंडस्केप चेक करें रोड का। ये देखें, ये जो पहाड़ है इससे पत्थर कितने स्लिपरी पत्थर हैं। बारिश के दौरान यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, दोनों तरफ से काट के पहाड़ को फिर रोड बनाया गया हुआ है। यहाँ पर जगह जगह पर यही सीन है। रोड तंग है, आगे से ये मज़दा ट्रक आ रहा है तो मुझे बाइक यू टर्न करना पड़ी। ये देखें ज़रा, इसने हारन दिया और मैं यू टर्न होके पहाड़ के कोने के ऊपर आलू लेके जा रहे हैं भाई। इस तरफ का आलू तैयार हो चुका हुआ है। जगलोट जहाँ से मैंने अपना सफ़र आज का शुरू किया, और बगरोट जहाँ पर मैं अभी आ गया हूँ, इसके मौसम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यार। यहाँ पर तो माशाल्लाह मुझे सर्दी फील हो रही है, और अभी मेरे ख्याल से आज डेट है चार अगस्त है या 5 अगस्त है, कन्फर्म नहीं है। बहरहाल अभी मोबाइल पे चेक कर लेंगे। यहाँ पर इस तरफ मौसम बहुत ही शानदार, खूबसूरत, मज़े का, और फ्रूट भी इतने ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर लगे हुए हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देख लें रोड कंडीशन किस कदर बेहतरीन हो गई है, कि यहाँ पर ये मज़दा ट्रक वगैरह भी इधर इजीली आ चुके हुए हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से आजकल चल रहा है जी पोटैटो सीज़न, तो आलू है इधर, पक गया आलू, तैयार हो गया इधर, आलू तैयार हो गया, सही इधर आलू का सीज़न ऑन है भाई, इसलिए ये ट्रक सारे आए हुए हैं माल लेने के लिए। बगरोट वैली का जो मेन विलेज है वो है दातुच, और दातुच को हमने क्रॉस किया है तो उसके आगे ये ऑफ रोड सेक्शन आ गया है। मतलब ये कि दातुच तक ही अभी तक रोड एसफाल्ट बना हुआ है, और आगे रोड नहीं है, मतलब आगे ऑफ रोड है। चलें कोई बात नहीं, खैर हमारा काफ़ी सफ़र निकल गया, गुजर गया, और अब ये थोड़ा सा सफ़र है, तकरीबन होगा कोई 5 या 6 किलोमीटर का, तो ये हम ऐसे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। वो खैर वाफियत। फ्रेंड्स, जब आप दातुज से तकरीबन 20 मिनट ड्राइव करके आएंगे आगे, तो आगे आपको विलेज मिलेगा चिरा। चिरा से आपने दूसरी तरफ हो जाना है, ये सामने लकड़ी का ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, ये क्रॉस करके आपने दूसरी तरफ हो जाना है, फिर वहाँ से रास्ता आगे जाएगा। ये जो सामने वाला पहाड़ है ये दिरन पीक, इसके एंड पे नीचे तक, नीचे एक मेडोज़ है, उस जगह का नाम है बगरोट मेडोज़। अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मुझे तकरीबन अभी से 20 मिनट लग जाएंगे या 25 मिनट लग जाएंगे मज़ीद आगे, मे बी आधा घंटा। लास्ट टाइम जब मैंने ये विज़िट किया था बगरोट वैली, तो उस टाइम तकरीबन कह लो कि 4x4 और बाइक जा सकती थी, लेकिन अभी रोड की कंडीशन इस कदर अच्छी हो गई हुई है कि अभी कोई भी गाड़ी इजीली जा सकती है, इवन कैरी डब्बा हो या मेहरान। आगे का मुझे पता नहीं, जहाँ तक मैं आगे हूँ मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूं जहां पर मैंने जाना था। ये देखें जी, ये है राकापोशी का पहाड़ और ये है देरन पीक। और ये वाला व्यू राकापोशी का किसी ने भी नहीं देखा होगा, मोस्टली लोगों ने नहीं देखा होगा। और ये देखें, ये सारा पानी ये ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है, ये राकापोशी के ग्लेशियर से आ रहा है और इसके अलावा देरन पीक से आ रहा है। और ये वाला जो पानी आ रहा है ये हरामुश साइड से आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे से एक व्यू नज़र आता है जो कि गोल्डन पीक, राकापोशी, देरन पीक और दिगर पीक्स का, वो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वो देखें फ्रेंड्स, ये है गोल्डन पीक सामने। गोल्डन पीक का इस कदर खूबसूरत नज़ारा आपको किसी और तरफ से नहीं आएगा जो आपको बगरोट वैली से मिलेगा। ये सामने गोल्डन पीक है और इसके ऊपर सूरज की रोशनी इस तरह से पड़ती है तो ये चमकती है सोने की तरह, इसलिए इसको गोल्डन पीक बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर बगरोट मेडोज रिजोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट पे। यहाँ पर बगरोट में सिर्फ एक ही ये होटल है जो आपको टेक केयर करता है। जितने भी गेस्ट आते हैं इसी जगह के ऊपर आते हैं और हम भी यहाँ पर आज लगाएंगे जी अपना कैंप। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी रात को मैं यहाँ पर लेट पहुँचा तो यहाँ पर कैंप लगाया था। ये है जिस जगह, शाम में तो नहीं कैंप लगाते दिखा सका क्योंकि नाइट में इस कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। और इस पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। आपको यकीन माने कि जो टूर ऑपरेटर होते हैं, टूर गाइड होते हैं, वो ऐसी जगहों का बताते ही नहीं हैं। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ है कि क्यों नहीं बताते हैं यार, यही जगह होती हैं असल देखने वाली, जहाँ पर ऐसे सुकून हो, खामोशी हो, नेचर के बंदा करीब हो। इस जगह के ऊपर आपको लेके आना चाहिए, ना कि आपको रश वाली जगह से उठा के रश वाली जगह के ऊपर। आप लोग शहरों से उठते हैं और शहरों की तरफ ही मुंह कर लेते हैं, लेकिन असल जगह जो होती हैं वो ये देखने वाली होती हैं। आप देखें ये कितना प्यारा, यहाँ पर ये मेडोज़ है, ये रिजोर्ट बना हुआ है बगरोट रिजोर्ट। ये सामने राकापोशी है और इस तरफ है देरन पीक। ये जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं और ये नज़र आ रही है गोल्डन पीक। शाम के वक्त गोल्डन पीक का जो यहाँ से नज़ारा आता है वो आपको ना हुंजा में, ना नगर में, ना किसी और जगह के ऊपर वो नज़ारा आएगा। ये राकापोशी का बैक साइड है, इस तरफ से आज तक इसको कोई सर नहीं कर सका। उसकी रीज़न कि ये पूरी दीवार है, ऐसे खड़ा हुआ पहाड़ है। और इस तरफ देरन पीक है, इसके ऊपर भी लोग जाते हैं। और यकीन माने कि मैं आपको क्या क्या बताऊँ इस जगह के बारे में, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप जब ख़ुद यहाँ पर आएंगे, इस जगह को महसूस करेंगे, तो फिर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि यार सलमान भाई, आपने वाकई कोई जगह बताई है हमें देखने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके कुछ खूबसूरत से शॉट्स दिखा दूँ, फिर हम इस जगह को करेंगे लीव, फिर जाएंगे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर हमारे साथ ओनर हैं इस बगरोट रिजॉर्ट के, जो यहाँ पर रन कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह का करम, ठीक है। चाचा अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम कैसर है। चाचा ये थोड़ा सा इस जगह के हवाले से बताएं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, नगर चले जाते हैं, हुंजा चले जाते हैं, आगे अताबाद चले जाते हैं। ये है बहुत ही खूबसूरत नेचुरल प्लेस, यहाँ पर ऑर्गेनिक मिलता है सारा कुछ, तो यहाँ पर टूरिस्ट क्यों नहीं आते हैं और इस जगह की अहमियत के बारे में थोड़ा सा बात करें। टूरिज़्म इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये हमारे लोगों ने मशहूर नहीं किया हुआ है, पता नहीं है लोगों को। हाँ। आप जिस जगह में बैठे हुए, आप चार बड़े ग्लेशियर के दरमियान बैठे हुए, साइड में भी ग्लेशियर है, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, मतलब फोर साइड ग्लेशियर से घिरा हुआ जगह आप बैठे हुए हैं। क्या बात है चाचा, आप देख रहे हैं नेचुरल, आपको ग्लेशियर मिलेगा, जंगल आपको मिलेगा, ग्रीनरी आपको मिलेगी। जी चाचा,
और इतनी खूबसूरत जगह है, लोगों को मतलब इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मशहूर नहीं होने की वजह से लोगों का आना जाना कम है।